एक अच्छा किसर कैसे बने। अब हम सब चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ किस करें, लेकिन पहली किस एम्बैरेसिंग भी हो सकती है और हो सकता है हमें आता ही ना हो किस कैसे करना चाहिए अपनी फीमेल पार्टनर के साथ। अगर आप भी पहली बार किस करने वाले हैं या आपका पहला किस बहुत बुरा हुआ, आपको डर लग रहा है, आपको नहीं पता कैसे करनी है, तो मैं सभी टिप्स और ट्रिक्स को बताने वाली हूँ। क्या करना पड़ेगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर और पिछले काफी सालों से काम कर रही हूं। अपनी हर वीडियो के माध्यम से मेरी कोशिश है कि आपके जो ये रिलेशनशिप के डाउट्स हैं इन्हें मैं दूर कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो है किसिंग करते समय हमें रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। अगर हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे या फिर हम अपने पार्टनर से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, हम उसे पूछेंगे नहीं कि उसको किस तरह की किस पसंद है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। हर किसी की लाइफ का वो पहला किस एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। दैट इज वाई आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि मेरी पहली किस दुनिया की बेस्ट फीलिंग और बेस्ट मे बी फीलिंग के साथ होनी चाहिए। अब बात करी जाए आपके ओरल हाइजीन की, कोशिश करें कि जब भी आपको लग रहा है कि आज हो सकता है वील केस और आज हो सकता है ऐसा कुछ है, तो अपने ओरल हाइजीन का तो वैसे हमें रूटीन में भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्टिल आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, प्रॉपरली ब्रश योर सेल्फ, कोशिश करें मुंह से स्मेल ना आ रही हो ताकि आपके लिए वो एम्बेरसमेंट ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आप किस करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली कम्युनिकेट करें कि उन्हें कैसी किस पसंद है। कई लोगों को यूजली फ्रेंजी टाइप की किस पसंद होती है जिसमें आप टंग रोल करते हैं, कई लोगों को सिर्फ जस्ट दोनों लिप्स से किस करना पसंद है, मे बी जैसे हम कहते हैं बस टच करना पसंद है, कई लोग यूजली थोड़ा सा डीप किस करना चाहते हैं, कई लोग अपनी टंग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि किस करते समय मेरे ब्रेस्ट को होल्ड किया जाए या बॉडी पे टच किया जाए या फिर वेस्ट को होल्ड किया जाए, सर के नीचे हाथ रखा जाए, आपका चॉइस है और इसको आपने कम्युनिकेट करना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से गए प्लग इट एंड डन इट, वो बहुत बार प्लेजर नहीं देती हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने किसी नहीं किया, मैं कैसे ट्राई करूंगा। सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ किस के बारे में पढ़ना चाहिए और ट्राई करने के लिए आप खुद से मे बी मिरर में देख के किस करने की कोशिश कर सकते हैं। समटाइम्स यू कैन ट्राई टू किस मे बी सम टॉय, मे बी सम टेडी बियर, डिपेंड्स अगर आप इसको थोड़ा सा करना चाहते हैं। साथ साथ अपनी ब्रेथ कंट्रोल पे आपने ध्यान देना है, बहुत ज्यादा गहरे गहरे सांस छोड़ने की जरूरत नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आपको सांस ही नहीं लेनी। यूज योर नोज फॉर ब्रीदिंग एंड माउथ फॉर किसिंग। अगर आपको लगता है मैं उसमें सांस रोक के किस कर लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड डेफिनेटली वो आपके अंदर एंजाइटी ज्यादा क्रिएट करेगा। बहुत बार सिर्फ फ्री फ्लोइंग होना जरूरी है, आंखें खोलने की जरूरत नहीं है, आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए आंखें बंद करके उस फीलिंग को एंजॉय करें और रिलैक्स रहें। जितना ज्यादा टेंशन में इसको टास्क की तरह लेके चलेंगे आपकी फीलिंग उतनी ही कम हो जाएगी और आपको बाद में नेगेटिविटी ज्यादा फील होगी। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। और भी ऐसे टिप्स के लिए चैनल पर बने रहें, जुड़े रहें। पंसलीरी जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक डॉक्टर नेहा ऑफिशियल।